करीब 7.5 माह बीत गए हैं और मांडेता में लाखों रुपयों की लागत से बना नव निर्मित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने ताले खुलने का इंतजार कर रहा है। चुनावी आपाधापी में बिना शिफ्ट किए ही इस नए भवन का लोकार्पण 28 सितंबर 2023 को विधायक सहित अन्य नेताओं ने पहुंचकर किया था और दावे किए गए थे कि जल्द ही यहाँ पर यह अस्पताल शिफ्ट हो जाएगा और लोगों को इस नए भवन में चिकित्सकीय सेवाएं मिलने लगेंगी। लेकिन भी राजनीति के सामने जनहित हार गए। और तो और हकीकत यह है कि करीब 80 लाख रुपए की लागत से बनी ये बिल्डिंग अब तक चिकित्सा विभाग को एक दिन पहले तक हैंडओवर भी नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार जब इस नव निर्मित आलीशान भवन का उद्घाटन किया गया था तब दावे ये किए गए थे कि जल्दी ही किराए की इमारत से यहां पर यूपीएससी शिफ्ट हो जाएगी और नए भवन में लोगों को सहूलियत से चिकित्सकीय सेवाएं मिलने लगेंगी। तब विधायक मनोज मेघवाल ने 6 बेड का एक वार्ड ऊपरी मंजिल पर बनाने की घोषणा भी की थी, लेकिन करीब 2 साल के समय से यूपीएससी मान्यता में डॉक्टर का पद रिक्त पड़ा है बताया जा रहा है। ऐसे में साफ जाहिर है कि जनता किस कदर तकलीफ में है। सुजानगढ़ में रेलवे लाइन पार रहने वाले लोगों का दर्द भी अजीब है, क्योंकि उनको हर बात में यह एहसास होता रहता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। एक तरफ जहां बगड़ी अस्पताल में एक एक कमरे में दो दो चिकित्सक बिठाने पड़ रहे हैं, यहां पर जगह की कमी है, वहीं रेलवे माल गोदाम के पीछे किराए की इमारत में चल रही यूपीएससी मान्यता में चिकित्सक का पद काफी लंबे समय से खाली है। केवल नर्सिंग कर्मियों द्वारा रोज करीब 35-40 मरीजों की जाँच करके दवा दी जाती है। दबी जुबान से लोगों ने यहाँ पर यह बताया कि कोई चिकित्सक यहाँ पर आना नहीं चाहता क्योंकि मामला रेलवे लाइन के इस पार का है। करीब 7.5 माह के समय बीत जाने पर भी अस्पताल की वीरान पड़ी इमारत की रखवाली उस पर लगा हुआ केवल एक ताला कर रहा है। इस बारे में मांडेता यूपीएससी में संपर्क करने पर पता चला कि 2 साल से चिकित्सक का पद खाली है। अस्पताल में 2 GNM, 1 ANM, 1 PHM, 1 SDO आदि कार्यरत हैं, लेकिन अस्पताल की बिल्डिंग शिफ्ट नहीं होने के कारण नए भवन के एक तरफ की दीवार टूटी हुई होना है और पीछे की दिशा में रेत की भर्ती नहीं होना है। इस बारे में यूपीएससी के PHM दशरथ ने बताया कि न तो दीवार का निर्माण ठेकेदार ने किया है और न ही पीछे की तरफ रेत की भर्ती की गई है। असुरक्षा के कारण हमें अधिकारियों के निर्देश थे और हम यहां से शिफ्ट नहीं हो सके। हमारे अधिकारियों ने बिल्डिंग भी हैंडओवर नहीं लिए। दस्तसार ने बताया कि ये 2 कमियां अगर पूरी हो जाती तो अस्पताल हाथों हाथ शिफ्ट हो जाता। दूसरी ओर अस्पताल परिसर में दीवार इस कदर टूटी हुई है कि इसमें रोज पशु आकर पेड़ की ठंडी छाया में बैठ जाते हैं और यहीं पर पूरी दोपहर ही आराम फरमाते हैं। पीछे की तरफ रेत की भर्ती भी खूब सारी कराना बाकी। इस बारे में पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान कानकरे ने बताया कि उद्घाटन होने पर लाइन पार के लोगों को उम्मीद जगी थी कि अच्छी चिकित्सकीय सेवाएं मिलकर यहां पर ये स्वास्थ्य केंद्र सुचारू संचालित होगा, लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी। अब हमारी मांग है कि जल्द से जल्द यहां पर अस्पताल शिफ्ट किया जाकर सेवाएं सुचारू की जानी चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि जनप्रतिनिधि चिकित्सा विभाग के अधिकारी 7.5 माह में एक तरफ की दीवार और पीछे की रेत भर्ती की समस्या का समाधान करवाकर अस्पताल शिफ्ट नहीं करवा पाए। क्या हर बार चुनावी आदर्श आचार संहिता का बहाना बनाकर जनहितों को टाला जाना कितना उचित है? शासन प्रशासन और नेता जनहितों के प्रति कब से गंभीर होंगे इस बात को कोई नहीं जानता है। इस पीएससी सेंटर का उद्घाटन 28 सितंबर को विधायक जी और सभापति जी और अन्य कार्यकर्ताओं और लोगों द्वारा किया गया था। तब इस मोहल्ले के और लाइन पार के लोगों को उम्मीद जगी थी कि हमें एक उप स्वास्थ्य केंद्र ये मिलेगा और इस पर ऊपर हॉस्पिटल की भी बात थी, जो 6 बेड का हॉस्पिटल होना था। अभी तक न तो ये स्वास्थ्य केंद्र शुरू हुआ और न कहीं हॉस्पिटल की बात शुरू हुई है, इसलिए यहाँ के लोग परेशान हैं। अब प्रशासन और विधायक जी से यही मांग है कि इस स्वास्थ्य केंद्र को जल्दी से जल्दी यहाँ शिफ्ट किया जाए। सदर पुलिस थाने में दर्ज हुए पॉक्सो के प्रकरण में पुलिस ने नाबालिग बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। DSP दर्जाराम बोस ने बताया कि प्रकरण में नाबालिग को निरुद्ध करके बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। DSP ने बताया कि जल्दी ही पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंचने में प्रयास कर रही है। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्र की 15 वर्षीय बालिका की माता ने मुकदमा दर्ज करवाकर 2 जनों को उसकी बेटी के साथ ज्यादती करने, वीडियो बनाने के आरोप का मुकदमा दर्ज करवाया था।